स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी 15 मिनट्स। 15 मिनट्स क्या है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग में, जैसे इंट्राडे। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं, जो दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर जो ट्रेड करते हैं उनके लिए नहीं है। ये स्टूडेंट के लिए है, और जो ऑफिस जाते हैं, जो कहने का मतलब ये है कि जो दिन भर चार्ट या स्क्रीन को देख नहीं सकते हैं ना, तो चार्ट या स्क्रीन को नहीं देख सकते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी स्पेशली है। बाकी जो चार्ट देखते हैं, देखो जो चार्ट देखते हैं वो अगर इस स्ट्रेटजी को अपनाओगे तो फिर टेंशन में आ जाओगे, है ना। क्योंकि देखो एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि इंट्राडे में जो डिसीजंस जो लेने पड़ते हैं 9:15 से 3:30 तक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्ट नहीं देखना है, चार्ट नहीं, कैंडल नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी इसमें यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें इसमें यूज नहीं करना है, है ना, नहीं करना है इसको, नहीं करना है तो हम लोग इसको रेड कर देते हैं। ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है आपको, करना क्या है तो वो हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग स्विंग ट्रेडिंग मान के चलो, स्विंग ट्रेडिंग मान के चलो, स्विंग ट्रेडिंग इसमें देखो, स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल सा इसको रखेंगे हम लोग कि ट्रेड जो करेंगे दो से तीन दिन में ही मैक्सिमम आपको टारगेट मिल जाएगा, और ये हेज पोजीशन नहीं होगा। देखो हेज की भी एक वीडियो अभी आज मैं भी आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दूं। तो जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जो ऑफिशियल है, ऑफिस वर्क में रहते हैं ज्यादातर, जैसा कि यहाँ बताया ही मैंने, चार्ट, कैंडल, इंडिकेटर, कुछ भी ग्रीक्स वगैरह कुछ भी इसमें नहीं देखना है, तो वो उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। चलो तो अब स्ट्रेटजी को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, स्विंग के लिए, स्विंग का मतलब 2-3 दिन भी हो सकता है और 10 से 15 दिन भी हो सकता है, लेकिन टारगेट जो है, जो डिफाइंड टारगेट है इसमें, वो आपको मैक्सिमम क्या होगा, मिल जाएगा 2 से 3 दिनों में ही टारगेट मिल जाना है इसमें, ठीक है। तो चलो ये स्टार्ट कहां से होता है हम लोगों का स्ट्रेटजी, तो हम लोग 2-day high देखते हैं, 2-day 2 दिनों में हायर हाई जो होता है वो हम लोग देखते हैं। तो लास्ट डे का हायर हाई आप लोगों को याद होगा कि 42,194.95 के आसपास बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था, ठीक है। तो पहले हाई वाले को समझ लेते हैं, उस बेस पे हम लोग उसके बाद हम लोग लो वाले को समझ लेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रेटजी से जो ज्यादा पैसा लगा रहे हो, जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, वो सी बाइंग के लिए पुट को शॉर्ट कर सकते हो। कैपिटल जिनके पास ज्यादा है उनके लिए है कि पुट को शॉर्ट कर सकते हो, है ना, और कॉल को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2-day हायर हाई को देख लेंगे। इस बेस में हम लोग क्या करेंगे, पहले चलो बुलिश व्यू जब रखते हैं तो उस टाइम कैसे, किस तरह से करना है वो देख लेते हैं, यानी बाइंग के लिए देखते हैं। बाइंग इसमें मैं लिखूंगा, आप लोग सी समझना, है ना, बाइंग की स्ट्रेटजी ये हम लोग पहले बाइंग में देख लेते हैं, उसके बाद सेलिंग या पुट बाइंग के लिए देखेंगे। ज्यादातर सेलिंग के लिए वो अपनाया जा सकता है, बट पुट बाइंग भी आप कर सकते हो। बाइंग में हम लोग क्या करेंगे, 2-day high जो होगा, 2 दिनों का हाई जो होगा, हायर हाई जो होगा, हाई मीन्स हायर हाई हम लोग देखेंगे, उसको सबसे पहले नोट करेंगे। और ये आपको करना कब है, ट्रेड करने के 1 दिन पहले, डू इट बिफोर 1 day,
ऑफ ट्रेड। कहने का मतलब क्या है इसमें कि दो दिन, एक दिन पहले आपको, जैसे मान लो आपको ट्रेड करना है, आज 15 है तो मान लो 17 को आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी तो मान लो मार्केट क्लोज है, तो आप क्या कर सकते हो, जो 13 को 12 को जो हाई लो जो भी था उसको मार्क करके आप स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो टू डे हाई बाइंग के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें टू डे हाई हम लोग देखेंगे जो भी है, तो 42,194 है, 194 है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पहले देख लो आप लोग कि इसमें क्या करेंगे, बाइंग में प्लस 0.15% हम लोग कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 42,194 प्लस 0.15% हम लोग ये करेंगे इसमें, ठीक है। तो एंट्री हम लोगों को कहाँ करना है, तो 42,258 के ऊपर एंट्री होगी, ठीक है। यहां पे मार्केट जाएगा तो यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने एंट्री देख लिया, प्रीमियम वगैरह ये वो सब देखेंगे। देखो ये आप लोग क्या कर सकते हो, निफ्टी में यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो, स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, सभी जितनी भी ट्रेडिंग की जो आप लोग स्टॉक वगैरह में देखते हो, जो भी हो, इंडेक्स हो या स्टॉक में आप कर सकते हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने एंट्री देख ली, ठीक है। एंट्री देख लिया हम लोगों ने, अब टारगेट की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट होगा हमारा एंट्री, टारगेट होगा एंट्री प्लस 1.5%, ठीक है। तो एंट्री कहां पे हुआ, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना, मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ये समझा रहा हूं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक इसको पूछ सकते हो कमेंट में। नहीं समझ में आए हम लोग दूसरी वीडियो भी देख लेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लेना, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 42,258 में ऐड क्या करेंगे, 1.5%, ठीक है। यानी इसमें टारगेट क्या होगा, 633 पॉइंट, यानी टोटल टारगेट क्या होगा, हम लोग एग्जिट तभी करेंगे जब 42,891 के आसपास मार्केट चला जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसमें देखो शुरुआत में तो वन लॉट में ही करना है, है ना, वन लॉट में ही शुरुआत में करेंगे, उसके बाद चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। देखो आज हम लोग क्या करते हैं, इसी वीडियो में बाइंग देख लेते हैं, अगली वीडियो में सेलिंग या पुट बाइंग को देख लेंगे, ठीक है, ताकि धीरे धीरे आप लोग चीजों को समझ पाओ, है ना। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, अब SL क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मस्ट है, है ना, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री जहां होगी, एंट्री माइनस 1.5%, 1:1 का ही रेशियो होगा इसमें, लेकिन बिलीव करो आप लोग कि SL बहुत कम जाते हैं इसमें, SL बहुत कम जाते हैं, है ना। तो एंट्री मान लो हो गई 42,258 पे, इसमें माइनस क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस 1.5%, ठीक है। यानी एग्जैक्ट सेम हम लोगों ने माइनस भी कर दिया, 633 लगभग। तो एग्जिट कहां होगा, 41,624 में एग्जिट कर जाएंगे हम, ठीक है। इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो ये जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लगभग 600 पॉइंट हम लोग इसमें कैप्चर करेंगे, है ना। तो 600 पॉइंट के लिए मैं फिर से यही बताऊंगा, आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि ये पोजिशनल स्ट्रेटजी है, पोजिशनल स्ट्रेटजी। और बिलीव करो आप लोग बैक टेस्ट करके भी देख लेना, मैंने तो देख ही लिया है,
आप लोग भी देख लेना कि ये स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क कर रही है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इम्पोर्टेंट क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम इम्पोर्टेंट है ना। तो प्रीमियम क्या करेंगे इसमें, सिक्स हंड्रेड प्लस का प्रीमियम हम लोग लेंगे, और वो होगा क्या, तो करंट वीकली एक्सपायरी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, करंट वीकली एक्सपायरी नहीं होगा। हम लोग उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी को चूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक। और ये ऐसा नहीं है कि आपको फ्राइडे को करना है या सैटरडे को करना है, सैटरडे को तो मार्केट होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आपको ट्रेडिंग करना है उसे 2 दिन पहले के जो डाटा है उसको आप देखोगे, और ट्रेडिंग आपको अगर एंट्री मिलती है तो आप एंट्री उसमें करोगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो तो इसमें वन लॉट ही करना है आपको, तो 600 प्लस करोगे तो आपको इसमें 15,000 रुपीस लगेंगे, ठीक है, 15,000 लगेंगे। और हम लोगों ने देख लिया 600 पॉइंट है तो लगभग ये 600 प्रीमियम है, तो इसमें लगभग आपको एक लॉट में, अगर एक लॉट में करते हो आप, तो आपको इसमें कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है, 10,000 रुपए लगभग इसमें मिल सकते हैं अगर आपको टारगेट इसमें मिलता है। तो पहले वन लॉट में करेंगे, उसके बाद सारी चीजों को हम लोग और भी समझेंगे कि प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करना है, ये सारी चीजें समझेंगे। और ये मैं उन्हीं लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो स्क्रीन नहीं देख सकते हैं, देखो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी है, पोजिशनल ट्रेड है इसमें, तो पोजिशनल वे में ही इसको हम लोग देखेंगे, है ना। और कोई भी डाउट हो आप लोगों को उसमें जरूर पूछ सकते हो। और अगली स्ट्रेटजी हम लोग पुट बाइंग की देख लेंगे, और सारी चीजें हम लोग उसमें आगे भी डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग आसानी से पूछो, है ना। और एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखो समझो और उस बेस पे ही ट्रेड करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।